हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया था, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ तरीके से कह दिया कि आगामी चुनाव के बाद अब आपको बताया चले तो किसी भी बड़ी व छोटी क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी को हमेशा गठबंधन के साथ नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसी का ध्यान में रखते हुए अब बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन पंजाब के अंदर बहुजन समाज पार्टी का अकाली दल के साथ इतने दिनों तो गठबंधन चल रहा था, और हरियाणा के अंदर नए नवेला बहुजन समाज पार्टी इन लोग गठबंधन भी चलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी की ओर से पंजाब में अकाली दल के साथ व इनेलो पार्टी के साथ हरियाणा के अंदर जो गठबंधन चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया है। आपको चले तो पंजाब के अंदर बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल की जो पार्टी के वो दूरियां बना चुकी है, और अब आपको चले तो बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने साफ तरीके से निर्देश दे दिया गया है कि किसी भी राज्य के अंदर बहुजन समाज पार्टी का कोई भी गठबंधन नहीं है। यानी कि अब हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर बहुजन समाज पार्टी का जो इतने गठबंधन था वो पूर्ण रूप से समाप्त होने की बड़ी खबर आ रही है बहुजन समाज पार्टी का, और इन लोगों का गठबंधन टूट चुका है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में पहले दोनों पार्टियों ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, वह गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के साथ बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटें और इनेलो पार्टी को 2 सीटें आने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ तरीके से कह दिया कि बहुजन समाज पार्टी को हमेशा गठबंधन में नुकसान होता है, इसी को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी तमाम गठबंधनों को समाप्त करती है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अब तक लेते विदा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना।